विधानसभा चुनाव में अभी करीब एक साल का समय है, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष में जारी पोस्टर वॉर चरम पर है। एक बार फिर पटना के इनकम टैक्स चौराहा के पास एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमें लिखा दिख रहा है 15 साल बनाम 15 साल, हिसाब दो हिसाब लो। पोस्टर में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की तस्वीरें दिख रही है। इस बार पोस्टर जेडीयू की तरफ से लगाया गया है। बता दें कि मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी रह रहकर पोस्टरों के जरिए नीतीश सरकार पर हमले करती रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में वार पलटवार कोई नई बात नहीं है, लेकिन बिहार में जारी पोस्टर वॉर से सियासी पारा चढ़ा हुआ है। हर पार्टी कोई मौका हाथ से निकलने देना नहीं चाहती। अब तो ये वक्त ही बताएगा कि अगले विधानसभा चुनाव में ऊंट किस करवट बैठता है। ओमकार आवामी के लिए पटना से रंजीत कुमार की रिपोर्ट। देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ गुरुवार को आरजेडी ने पटना की सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। युवा आरजेडी कार्यकर्ताओं ने बर्तन और गैस सिलेंडर के साथ प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने आयकर गोलंबर पर प्रदर्शन करने के दौरान सरकार से गैस, पेट्रोल और रेल किराए में हुई बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग की। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने इस दौरान केंद्र सरकार का पुतला भी फूंका। जो बढ़ोतरी हुई है गैस का, रेल भाड़ा प्रधानमंत्री जी बढ़ाए, आज जो है नागरिकता बिल, सीए बिल, आरसी बिल, ये सब जो भी बिल ला रहे हैं, ये महंगाई को बढ़ाने, महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए नरेंद्र मोदी एक से एक जो चाल चल रहे हैं पब्लिक समझ गई है। हम लोग युवा राष्ट्रीय जनता दल पटना का विरोध किए, गैस का दाम जो है वापस लें, पेट्रोल का दाम वापस लें, नहीं तो और रेल किराया जो है दाम का वापस लें। ये वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री और रेल मंत्री और पेट्रोलियम मंत्री मिलकर जो साजिश, गरीब जनता का जो है प्याज जो है थाल से छीनने का काम किया, जो गरीब का, गरीब बिहार का गरीब बच्चा, बूढ़े लोग कमा खा करके जो है प्याज रोटी खाने का काम करते हैं, आज प्याज भी थाल से छीन लिए हैं। इसकी बदला जो है आने वाला समय में जो है चोट, वोट के चोट से लेगी बदला। राजनीति के लिए विरोध करना अलग बात है, लेकिन हकीकत यही है कि देश की आम जनता महंगाई से आज त्रस्त है। इस पर केंद्र सरकार को जरूर सोचना चाहिए। ओमकार आवामी के लिए पटना से रंजीत कुमार की रिपोर्ट।